A hammer of mass 500 gram moving at 50 meter per second strikes a nail. The nail stops. यानी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है। ये मान के चल रहे हैं कि हैमर की पूरी पूरी जो वेलोसिटी है वो नेल में ट्रांसफर होती होगी। स्टॉप्स रुक जाती है इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब 0.01 सेकंड में रुक जाती है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर? घबराने की बात नहीं है, न्यूटन से लॉ यूज करेंगे, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। यानी कि छोटा सा टाइम है तो इसे डेल्टा टी बोल सकते हैं। डेल्टा पी क्या है? चेंज इन मोमेंटम, एम यू माइनस एम वी, है ना। इनिशियल माइनस फाइनल मैंने कर दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। रिटार्डेशन है, पहले तेज चल रहा था बाद में रुक गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड ही निकालना है फोर्स का। आंसर पॉजिटिव रिपोर्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी डेल्टा टी लिख लो यहाँ पे, एम कॉमन ले लो, वी यू माइनस वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ये हम लोग कई बार कर भी चुके हैं, पहले जब डेरिवेशन किया था तब भी किया था। आप सीधा यहां से भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओके, सो दिस इज 500 डिवाइडेड बाई 1000 या 0.5 लिख दे रहा हूं मैं, कौन सरदर्द ले, ठीक है। U क्या है? 50 है, 50 में से 0 जाने वाला है, डिवाइड हमें करना है 0.01, ठीक है। तो ये एक तरीके से 0.5 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 1/100, ठीक है ना, 0.01 1/100 है, ये ऊपर चला जाएगा। पॉइंट F इज इक्वल टू 0.5 इंटू 50 हो जाएगा 25 इंटू 100, F इज इक्वल टू 2500 न्यूटन। दिस इज द फोर्स विच द हैमर एक्सपीरियंसेस ड्यू टू द नेल।